नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपने पहले तुलसीदास जी महाराज के मुख से उनकी भविष्यवाणियां सुनी होगी कि उन्होंने बताया कि भारत के अंदर एक महान शक्ति का जन्म हो चुका है, वो 20 वर्ष का हो चुका है। तो दोस्तों वो तो आपको पता चल गया, लेकिन दोस्तों अभी जय गुरुदेव पंथ की एक भविष्यवाणी और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर बता रहे हैं कि स्वामी जो जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने बताया कि भारत के अंदर सतयुग लाएगा, वो महान प्रतापकारी संत होगा। तो दोस्तों उनकी भविष्यवाणी सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। समय का इंतजार करो, महात्मा संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, आज के सैकड़ों साल पहले आए। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में जो उनकी ज्ञान पोथी है, ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी उन्होंने लिखी, क्या कहा है कि भारत में अवतारी होगा, ज्योति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो ऐसा अनोखा सेनानी, तीर तमंचा भाला बरछी बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। संत रविदास जी आगे क्या कह रहे, वो एक महापुरुष अनोखी लीला करेगा। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा। रविदास जी क्या इशारा कर रहे हैं कि जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आमाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, उसको चिंता होगी। हिंदुस्तान की चिंता उस महापुरुष को, वो उसके बचाने की भूमिका व्यवस्था बनाएगा, जो विश्व में अनोखी होगी, जो किसी के दिल दिमाग में नहीं होगी। आगे क्या कह रहे हैं कि जिसने भारत मां सताई, रविदास जी क्या कह रहे हैं, जिसने भारत मां सताई, जो इसकी करी लुटाई, वो कौन कौन से हैं लुटेरे जिसने भारत देश को लूटा है, भारत मां को अपमानित किया है, वो कौन से लुटेरे हैं? क्या कह रहे रविदास जी, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी, एक दिन ये मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, प्रेमी इससे बचेगा नहीं, ग्राम प्रधान भी नहीं बचेगा, ऐसी योजना है, इसमें कोई नहीं बचेगा, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, ऐसी वो सतयुग की सत्य व्यवस्था होगी। ये लूटपाट करने वाले घुसपैठ तो बहुत हजारों सैकड़ों साल पहले आए थे रविदास जी, और भविष्यवाणी लिख के रख गए कि आगे ऐसा समय आएगा, और भारत देश को किसने किसने लूटा, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी, एक दिन ये छोड़ के मैदान भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला